दोस्तों इन दिनों में किसी का भी चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे में काफी सारे जो क्रिएटर वो टेंशन में आ गए कि यार हमने तो सब कुछ कंप्लीट कर लिया, सारा क्राइटेरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, तो वो टेंशन में आ गए। तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, पहले आपको समझना है कि आखिरकार इन दिनों में चैनल है वो क्यों नहीं मोनेटाइज हो पा रहे हैं। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं आपको ये तो बताऊंगा कि इन दिनों में चैनल क्यों नहीं मोनेटाइज हो पा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एक चैनल मोनेटाइज होने के लिए जरूरी टिप्स कौन से हैं, उन टिप्स को भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं टेक्निकल नोनियाजी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि एक चैनल मोनेटाइज होने के लिए पिछले 365 दिन में हमारे चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद हम मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे क्रिएटरों के सामने एक नई समस्या आ गई है कि उन्होंने ये सारा क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर चुके हैं, 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर चुके हैं, 4000 घंटे का वॉच टाइम भी कंप्लीट कर चुके हैं और मोनेटाइज के लिए भी वो अप्लाई कर चुके हैं, और मोनेटाइज को अप्लाई करने का जो समय वो किसी को तो 15 दिन हो गए, किसी के 20 दिन हो गए, किसी को 1 महीना हो गया, किसी का 1.5 महीने और किसी को तो 2 महीने हो गए, लेकिन फिर भी उनका चैनल है मोनेटाइज नहीं हो पा रहे हैं, तो वो टेंशन में आ गए। मेरे पास काफी सारे क्रिएटर साथियों की मेल्स आ रही हैं, इंस्टा पे डीएम आ रहे हैं कि सर काफी दिन हो गए, हमारे चैनल को आप चेक कीजिएगा, कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको यहां टेंशन नहीं लेने, जो वजह है किस वजह से आपका चैनल वो इन दिनों में मोनेटाइज नहीं हो पा रहा वो आप जान लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि फिलहाल COVID-19 चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, तो ऐसे में YouTube का जो ऑफिस है वहां पर जो YouTube की टीम है या फिर जो एम्प्लॉय है वो आधे ही ऑफिस में आ रहे हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे चैनल है वो चेक करें। जब पूरी कंप्लीट टीम होती है या जो पूरे एम्प्लॉय होते हैं तो सभी चैनलों को जल्दी जल्दी चेक कर देती है और चैनल है वो जल्दी मोनेटाइज हो जाता है, लेकिन फिलहाल ऑफिस के अंदर एम्प्लॉय की कमी है और वो घर बैठे ही वो अपना काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जो चैनल मोनेटाइज के लिए आ रहे हैं या फिर जिन चैनल को वो चेक कर रहे हैं तो चेक करने में उनको समय लग रहा है। अब जैसे ही आपके चैनल का नंबर आएगा तो YouTube की टीम है वो आपके चैनल को चेक करेगी, यदि सब कुछ सही होता है तो आपका चैनल है वो बिल्कुल मोनेटाइज हो जाएगा। तो यहां पे आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, भले इसमें 1 महीना लगे, भले इसमें 2 महीने लगे, भले ही 3 महीने लगे, यदि आपको लगता है कि हमारा चैनल सब कुछ सही है, वीडियो भी हमने अच्छे बनाए, कोई भी यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उसके खिलाफ हमने काम नहीं किया है, रूल के अनुसार ही हमने काम किया है, मतलब सब कुछ सही है अपने चैनल पे, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। हाँ, हो सकता है कि इस COVID-19 के चक्कर में थोड़ा सा मोनेटाइज होने के लिए भैया समय लग सकता है, क्योंकि यूट्यूब की टीम है वो कमी है और जैसे जैसे वो ऑफिस में कंप्लीटली आ जाएगी तब जल्दी जल्दी चैनल वो मोनेटाइज हो जाएंगे। तो बस देखिए मेन समस्या ये आ रही है, तो काफी सारे जो क्रिएटर है वो टेंशन में आ रहे हैं, तो अपनी टेंशन वो दूर कर लीजिएगा, समस्या तो ये थी। चलिए अब मैं उन क्रिएटर साथियों के लिए बताता हूं जिनका हाल ही में यानी कुछ ही अगले 1-2 दिन में, अगले 5 दिन के अंदर अपने चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट होने जा रहे हैं और अपने चैनल को जल्दी से मोनेटाइज के लिए अप्लाई भी करना चाहते हैं, क्योंकि यार ये खुशी सबकी होती है, 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना कोई छोटी बात नहीं है क्रिएटर के लिए। तो भैया वो क्या करते हैं कि जल्दी से अपने चैनल को मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर देते हैं और फिर भैया YouTube क्या करता है कि उनके चैनल को मोनेटाइज ही नहीं करता, वापस उनको भेज देता है और फिर रीअप्लाई करने के लिए बोलता है और उनके चैनल में कुछ कमियां निकाल के वो भेज देता है। तब हमारे जो क्रिएटर वो टेंशन में आ जाते हैं कि यार मैंने ये क्या कर दिया कि मेरा चैनल वो क्यों नहीं मोनेटाइज, मैंने कहां गलती कर दी। तो दोस्तों मैं आपको यहां पे कहना चाहूंगा, पहली बात तो ये कि जिन साथियों का क्राइटेरिया कंप्लीट हो चुका है और मोनेटाइज के लिए अप्लाई कर दिया है तो वो तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए एक जरूरी टिप्स ये है कि वो लगातार अपने वीडियोज हैं वो डालते रहे, जिस प्रकार से पहले डाल रहे थे अपने चैनल पे उसी प्रकार से डालते रहे, ये नहीं कि यार जब चैनल मोनेटाइज होगा तब हम वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे, नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप वीडियो डालना आप रोकिए मत, लगातार आप वीडियो डालते रहे। अब जिनका चैनल का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ है और जो चैनल मोनेटाइज के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं अगले 10 15 या 20 दिन के अंदर, तो वो ध्यान से सुन ले। देखिए YouTube टीम जब आपका चैनल मोनेटाइज के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपका पूरा चैनल नहीं देखती है, पूरे वीडियो एक एक वीडियो नहीं देखती, इतना समय उनके पास भी नहीं होता है, वो कुछ एक वीडियो आपके चैनल पे देखते, कुछ बातें हैं वो आपके चैनल पे चेक करते, बस उन्हीं को आधार मान के आपके चैनल को मोनेटाइज करना है या नहीं करना है उसी में वो फाइनल कर दी। अब वो क्या क्या चेक करती है वो आप सुन लीजिए, नए क्रिएटर के लिए मैं आपको बता देता हूं।
देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके पूरे चैनल पे जितने भी आपने वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनमें सबसे ज्यादा व्यूज किस पे आए हैं, सबसे ज्यादा वॉच टाइम किस पे है। उन वीडियोज को आपको अच्छी तरह से आपको चेक करना है, उनका टाइटल आपको चेक करना है, उनकी टैग्स आपको चेक करने हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन आपको चेक करना है, और वीडियो के अंदर आपने क्या सामग्री डाली उसको आपको चेक करनी है कि कहीं जो वीडियो के अंदर आपने बातें बताई हैं कोई रूल तो आपने यूट्यूब का नहीं तोड़ा है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ तो आपने कोई ऐसा काम नहीं कर दिया है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं, किसी सॉफ्टवेयर का आप बता रहे हो कि फ्री में कैसे यूज करें, उसको फ्री में यूज करना सिखा रहे हो जबकि वो एक परचेज सॉफ्टवेयर है, तो ये इस प्रकार की वीडियो बनाओगे तो वो गलत होगी। कई बार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब की वीडियो है गैलरी में कैसे डाउनलोड करें, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियो है लोग ज्यादा देखते हैं और वॉच टाइम इन पे ज्यादा आता है। तो ऐसे में आपको केवल उन वीडियो को सबसे ज्यादा गौर करके देखना जिन पे वॉच टाइम सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि यूट्यूब की जो टीम होती है वो उन्हीं वीडियो को देखती है। चलिए, इसके बाद भैया YouTube की टीमें आपके चैनल की थीम को चेक करेगी। थीम से मेरा मतलब यह है कि आपका जो चैनल जिस समय आपने बनाया था तो आपकी कैटेगरी क्या थी आपके चैनल की, आपका क्या कंटेंट था, किस कंटेंट के ऊपर आप वीडियोज बना रहे थे, और उस कंटेंट को यदि आपने बदल दिया और मिक्स मसाला आपने डाल दिया, मतलब पहले आप टेक की वीडियो बना रहे थे, फिर म्यूजिक की डालने लगे, फिर कॉमेडी वीडियोज डालने लगे, फिर किसी का दूसरे का वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल दिए, तो इस तरह से यदि आपके चैनल की एक थीम नहीं होगी, अगर आप बार बार अपने चैनल की कैटेगरी बदल रहे हो, तो भैया इस प्रकार के जो चैनल्स हैं वो मोनेटाइज नहीं होंगे। ठीक है, ये एक YouTube का रूल है। इसके अलावा YouTube की टीम है वो आपके चैनल की वो मेटा टैग्स हैं वो देखेंगे। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हैं अपन, मेटा टैग्स हैं वो देखेंगे। देखिए दोस्तों, मेटा टैग्स का मतलब आप यहां समझ लीजिए। देखिए, अपने चैनल की और जितने भी अपने वीडियो डाल रखे हैं उनके डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, उनकी टैग्स हैं वो आप चेक कर लीजिएगा, उसका जो टाइटल है, उसका जो थंबनेल है, वो आप सारी चीज है वो चेक कर लीजिएगा कि जो चीज आपने वीडियो के अंदर बता रखी वैसे ही डिस्क्रिप्शन है क्या, वैसे ही टाइटल है क्या, वैसे ही टैग है। क्योंकि बहुत सारे नए नए क्रिएटर वो गलती कर देते हैं, जो बड़े क्रिएटर हैं उनकी टैग उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अपन बात करें टेक्निकल गुरु जी की, यार बहुत ज्यादा बड़ा चैनल है, बड़े लोग हैं, तो उनकी टैग उठा लेता हूं मैं, टैग पूरी कंप्लीट नहीं, जैसे उनका चैनल का नाम उठा लिया। हालांकि आपकी वीडियो का टॉपिक कोई दूसरा ही है, उसके अंदर आप कोई दूसरी ही टैग डाल रहे हो, टाइटल कोई दूसरा ही डाल रहे हो, तो ये एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अगर इस प्रकार के आपने मिसमैच का डाटा वहां पे किया, वीडियो के अंदर कुछ और बता रहे हो और डिस्क्रिप्शन में, टैग में, टाइटल में आप कुछ और ही लिख रहे हो, थंबनेल पे आप कुछ और ही दिखा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। अगर इस प्रकार की आपने गलती की है तो भी आपका चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा ये भी देख लेना कि आपके चैनल पर ज्यादा कोई कॉपीराइट क्लेम तो नहीं आया हुआ, दो चार कॉपीराइट क्लेम चल जाएंगे, एक स्ट्राइक भी चल जाएगी, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन दूसरे की सामग्री या वीडियो कॉपी करके अपने चैनल पर डाल देते हैं तो क्लेम आ जाता है और स्ट्राइक भी आ जाती है। अगर एक स्ट्राइक है तो देखिए यहां डिसीजन ले सकती है यूट्यूब की आपके चैनल को मोनेटाइज करना है या फिर नहीं करना, वो तो उन पे बात है। लेकिन क्लेम भी दो चार वीडियो पे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा वीडियो पे, लगभग यू मानो कि 60% वीडियो पे क्लेम ही आ रहा है, तो ये गलत है, आपका चैनल वो मोनेटाइज नहीं होगा, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो मोनेटाइज करने से पहले यदि आपने इन गलतियां ये कर ली हैं तो इन गलतियों को सुधार ले, उसके बाद आपको अप्लाई करना। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है जो नए नए क्रिएटर होते हैं वो क्या कि रियूज कंटेंट को यूज कर लेते हैं। रियूज कंटेंट का मतलब ये है कि दूसरे की वीडियो को सेम की सेम उठा के अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो फिर जो चैनल वो मोनेटाइज नहीं होता। और कई बार ऐसा भी होता है जब अपन मिक्सिंग के वीडियो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अपन जैसे जो अपने टेक वाले जो वीडियो होते हैं इस प्रकार की वीडियो, उसके अंदर अपन दूसरे की वीडियो की क्लिप उठा लेते हैं, ठीक है, बीच बीच में से हमने क्लिप उठा ली वीडियो को और वॉइस ओवर हमने कर दिया, तो वो भी एक रियूज कंटेंट हो जाता है। तो ऐसे में अगर आपने किसी वीडियो के अंदर ऐसी गलती कर रखी है जिसके अंदर आपने कहीं से किसी दूसरे की वीडियो की क्लिप उठा के अपनी वीडियो के अंदर आपने डाल दी और वॉइस ओवर आपने कर रखा है, तो भी आपका चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा, ये रियूज कंटेंट के अंदर वो आ जाता है। तो ऐसी काफी सारे जो क्रिएटर को वो दिक्कत आती है, बहुत सारी मेल आती है, तो फिर भी मैं उनको बताता हूं कि इस प्रकार की वीडियो को डिलीट कर दे। मान लीजिए आपने ये सारी गलती कर रखी है तो आपको करना क्या, करना कुछ नहीं है, उन वीडियो को आपको पूरी तरह से YouTube से हटा देना। देखिए, ये नहीं हटाने का मतलब डिलीट कर देना। अब जैसे ही आप डिलीट करोगे उन वीडियो के, तो भैया आपके चैनल का जो वॉच टाइम है वो कम होगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आज 4000 घंटे कंप्लीट हो गए और 5 वीडियो को आपने डिलीट कर दिया और उस पे 1000 घंटे हुए, तो भैया वो 1000 घंटे कम हो जाएंगे, तो आप ये कहोगे यार 1000 घंटे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, 1000 घंटे बर्बाद होना अच्छा है,
कि आगे जाके आपको पछताना नहीं पड़े। तो इन चीजों को आपको फॉलो करना है, इन टिप्स को आपको फॉलो करना, यदि सब कुछ सही हो जाता है तो आसानी से आपका चैनल वो भी मोनेटाइज हो जाएगा। बस दोस्तों जानकारी मुझे ये देनी थी, बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।